एक बात बता, अपनी मां से झूठ बोलकर अपनी लुगाई को घुमाने ले गया था या नहीं? पता, सच है या झूठ? मैं बहुत झूठ ना बोलूंगा मैं तुझसे। गलती तो हुई है मुझसे, किया है पाप मैंने, माफ कर दे बाबू। ना, अभी हमारे सवाल खत्म ना हुए। जी बताए तो बता दे, थारी लुगाई थाने जाकर झूठी शिकायत करी थी मारी, और थारे बाबू के हाथ में हथकड़ियां पहराई थी कि इस झूठ के पाखंड में तू भी शामिल था कि नहीं? बाबू तू क्या कह रही है? और ये बात अचानक बीच में कहां से आ गई? जो तू सुन रहा है ना वही कह रही हूं मैं। मीना कैसे कर सकती है? बाबू नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी बाबू, मीना ये सब नहीं कर सकती। अरे बाबू गवार अनपढ़ है वो, तो उसे कहां से आती है अंग्रेजी बोलनी, और कानून की समझ क्या होगी उसे बाबू? सही कहा तूने, ना अंग्रेजी जानती है ना कानून पढ़ा है उसने, लेकिन झूठ बोलना चाहती, रिश्तों का मजाक बनाना जानती है, चाल चलना जानती है, इसलिए ये काम उसने खुद ने ना किया है। थारी साली जो कानून की पढ़ाई कर रही है ना, उससे करवाया। थारी बीनी पुलिस वाले घर पर आए थे, सारे सबूत आने के बाद इस बात का कोई शक न रहा कि मारी बहू सास बहू के रिश्ते की मर्यादा पार कर गई। अब तो मैंने बस इतना जानना है कि इस घर में हमारे बेटे ने मां बेटे के रिश्ते की मर्यादा
रखी है या नहीं। मैं तुझसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मारा अंश इसमें शामिल था कि नहीं। आज तक बहुत झूठ बोले होंगे ना तूने, हर बार जानते बूझते माफ करती रही कि बच्चे हैं, लेकिन लेकिन अब के जो हुआ उसने मारी ममता, मारे लालन पालन पर सवाल खड़ा कर दिया। पता मन, क्या तू भी इसमें शामिल था? माना, मैंने माना कि तुझसे बहुत झूठ बोले है, मैंने विश्वास खोया है मैंने बाबू तेरा, तभी तुझे आज मुझसे ये पूछने की जरूरत पड़ी कि मैं इसमें शामिल हूं या नहीं। लेकिन बाबू, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसके हाथों की उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा, मैं उन्हीं हाथों में हथकड़ियां कैसे डाल सकता हूं बाबू? अरे इतनी भी होशियार कोनी, वो जो जेल में गई थी ना बाबू, वो तो मैं कठे आई तो कुनी पीनी कि तूने मारे खिलाफ थाने में रपट लिखवाई है। बाबू, मैंने ऐसा कुछ ना किया, मैंने रपट ना लिखवाई। थारी सौगंध बाबू, अगर मुझे इस बारे में जरा सा भी पता हो तो ये सब मीना का किया धरा है। तो ऐसी औरत के साथ में एक छत के नीचे एक पल भी ना रहता, बस इतना विश्वास रख ले अपने बेटे के ऊपर बाबू। तेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता बाबू, तेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता ये सब। समझ में ये नहीं आ रहा ये मीना ऐसा कैसे कर गई मेरी मां के साथ, इतना विश्वास किया उसके ऊपर, ये मीना आज मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गई। मेरी मां को हथकड़ी लगवाने का पाप जो किया है ना उसने, उसकी सजा मिलेगी अब उसको, और मैं खुद सजा दूंगा उसको, खुद सजा दूंगा मैं, और कोई नहीं रोकेगा मुझे।
सूरज जी, सूरज जी, वो भाभा को संभालिए, वो क्या किया तूने? तुझे नहीं पता? अरे इतनी घटिया हरकत करने के बाद तू कह रही तूने क्या किया? मक्कार औरत, तेरी जैसी गुंडा। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा मैं? देख विक्रम, अभी तक उस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अरे भैया बात वो नहीं है। अरे क्या नहीं किया इसकी खुशी की खातिर मैंने? बाबू से झूठ बोला, घर वालों की खुशी से पहले मैंने सबसे पहले इसकी खुशी के बारे में सोचा। और क्या किया इसने मेरे साथ? धोखा दे दिया मुझे। और आज जाके मुझे असलियत पता चली कि मुझे भाभों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी ना पुलिस स्टेशन में झूठी। इसने लिखवाई थी वो। हाँ? लिया इस परिवार को। आज आज तेरा असली चेहरा सामने आ गया। संध्या पीनड़ी ने तेरी सारी पोल खोल दी है। जिठानी जी, आप आपके पता लगा लिया इस थानेदारनी ने। मैंने तो कोई सबूत भी ना छोड़ा था। ठानी जी की दुश्मनी है आपकी मारे से। दो दिन के लिए बाहर क्या गए कि कान भर दिए भाभों के। क्यों मारा घर बर्बाद करने में तुली हुई हो? ट्रे बक 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 बंद कर ले वरना। रुक छोरा, रे उससे के पूछती है? मारे से पूछ, मारे से। मैं बताती हूँ तन्ने कि कुन घर तोड़ना चाहती है और कुन घर जोड़ना चाहती है। बीनी कस्तूरबा नायक अस्पताल जिसमें थारी दादी सा भर्ती थी। अभी अभी कहा था ना तूने, और अभी अभी 10 बोतल खून देकर आई है तू। उसी अस्पताल का नाम तूने अपनी झूठी रपट में लिखवाया था ना। ये अस्पताल अजमेर में के रे पूरे राजस्थान में नहीं है। अच्छी तरह जानू कि इस झूठ को सहारा देने के लिए थारी कुटिल बुद्धि ने 50 झूठ के खंभे खड़े कर दिए होंगे अब तक, पर कोई फायदा ना है। कोई फायदा ना है रे थारी सातन, थारी लाडली बहन जिससे तूने पुलिस को फोन करवाया था। सब कबूल कर लिया है उसने, संध्या बीनिनी के सामने सब कबूल कर लिया है उसने कि सब कुछ थारे सारे पर किया है उसने। हे मारा राम जी, यही इस आंगन में खड़े होकर झूठों का ढेर लगा दिया था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कि मारी दादी सा अस्पताल में भर्ती हुई है, मारी दादी सा का ऑपरेशन हुआ है। अबार अबार भावो 8-10 बोतल खून देकर आई हूं मैं।
एक बार, रे एक बार भी तेरा मन ने तने धिक्कारा नहीं कि अपने ही घर में अपने ही परिवार के लोगों को एक के बाद एक दगा देती जा रही हूं मैं। रे मारा स्वभाव तो खारा है, गरम है, पर नियत में खोटना है मारी बीनड़ी। रे सही रास्ते पर चलाने के लिए तो स्कूल का मास्टर भी डंडा उठा ले वे है। मां मां बोलिया करती थी ना मन, कैसे भूल गई ये रिश्ता? उस रिश्ते की भी कदर ना करी तूने? कैसे मारे इज्जत के साथ खेल खेल गई? और उसके बाद हमदर्दी का नाटक कैसे हुआ रे थारे से? पीठ पीछे छुरा बोलकर कैसे उठा थारा हाथ मलम लगाने के लिए? हाँ रे मारी तो समझ में ही ना आवे। इतना तो जानती थी कि तू लालची, झूठ सच करना थारा स्वभाव है, पर ये न जानती थी मैं। रे उस दिन तने डांट दिया, थारे पर हाथ भी उठा दिया मैंने और घर से बाहर भी निकाल दिया और सब घरवाले को कह दिया कि इसे घर के अंदर ना लेना। पर जाने है तू, उसके बाद मन ही मन कचोटती रही मैं कि ना कुछ भी हो है तुम्हारी बीनड़ी ना इस घर की इज्जत, कैसे भी करके मारी बीनड़ी को घर पे वापस लाना है। मैं ये ना जानती थी बीनड़ी, रे बीनड़ी आज तो जो बच्ची कुछ इज्जत है ना ये खत्म हो गई, कोई सम्मान ना बचा है हमारे दिल में। रे जब तू इस घर की बहू बनने को तैयार ना है तो मैं जबरदस्ती सासू हूं क्यों रट लगा रखी हूं? आज मैंने थारे पर गुस्सा ना आ रहा, नफरत हो रही है। रे तने देखकर मैंने वो घड़ी याद आ रही है जिस दिन इस हनुमान गली में हमारे हाथ में हथकड़ी लगाकर मैंने इसे बेइज्जत कर ले गया था। रे जब दिल में इज्जत बची नहीं तो इस घर में रहने की जरूरत के निकल, अठे से निकल मारे घर से। नहीं बाबो, मारे को माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती से गुस्से में आके मुझसे बहुत बड़े भूल हो गए। अरे को माफ कर दो बाबू, अरे को माफ कर दो। गलती की माफी होती है, पर तूने तो ऐसा अपराध किया है ना, मेरे पास तो माफी भी ना बची। बाबू, इन्होंने जो किया है उसके लिए आप इन्हें जो सजा देना चाहे वो दे दें, पर इस घर से मत निकाले। घर की बात है, घर में ही सुलझ जाए तो अच्छा होगा। अरे से बहुत बड़ा पाप हो गया बाबू, सचमुच, लेकिन अनजाने में भूल कर बैठी। सच बताओ बाबू, मैं बहुत डर गई थी, इस सब कुछ मैंने घर वापस लौटने के लिए किया। अरे मारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, देखो ना कितना बड़ा पाप कर बैठी मैं। बाबू, अपनी गलती का एहसास जब हुआ तो दौड़ते दौड़ते आपको छुड़ाने आ गई बाबू, आपको छुड़ाने आ गई। माफ कर दो इस बारे मारे को, मीना को माफ कर दो बाबू। बीनड़ी, चाहे जितना स्वांग रचा ले, जितनी सफाई दे दे तू, तेरी जैसी औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।